मेरे को 24 ईयर से थायराइड है। थायराइड होने के 8-10 साल तक ठीक रहा, 10 साल बाद मुझे कॉन्स्टिपेशन होने लगा। काफी मैं परेशान रहता था, मैं मेरे बिजनेस में कई बार मैं सुबह 5:36 को ट्रैवल करना पड़ता था। पिछले 8-10 साल से मैं अवॉइड करने लग गया, मैं टाइमिंग का परफेक्ट था, लेट लतीफ खेलने लग गया था। मैं तेरे से सुबह होता ही नहीं, मैं एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे सुबह 8:30 के पहले मैं घर से निकल ही नहीं पाऊंगा। ये प्रैक्टिस शुरू करने के विद इन 1 वीक मुझे ट्रैवल करना था, मैं 5:30 को 5 o'clock को उठा, 6 o'clock को निकल गया। मेरा एकदम स्टमक बिल्ली सब क्लीन, और दिन भर भी मैं यूजुअली 2-3 बार मॉर्निंग में जाना पड़ता था कॉन्स्टिपेशन के लिए, फ्रेश होने के लिए, वो नहीं गया। मैं सुबह 6 o'clock को घर से निकला, नाइट 12 o'clock को घर आया। बाई रोड ट्रैवल करना पड़ता है, और मुझे उस दिन भर में कोई तकलीफ नहीं हुई। स्टमक में कोई अपसेट रहता रहना या गैसेस फॉर्म होना, यूजुअली मैं मेरे कार में जब ट्रैवल करता हूँ तो पेट में ब्लूटिंग होती है, गैसेस हो जाते हैं, वो कुछ भी नहीं हुआ। और मेरे रोज शाम में आते आते 5:30 के बाद ब्लूटिंग चालू हो जाती थी प्लेट में, भूख नहीं लगती थी। मेरी भूख बढ़ गई, मेरी डाइट बढ़ गई, बट मेरा वेट चेक किया मैं, पिछले 3 हफ्ते में मेरा वेट 2.5 kg कम हो गया। मुझे सर दर्द काफी होता था, कई बार हर 10 दिन में माइग्रेन टाइप का, कभी राइट कभी लेफ्ट होता था। पिछले 3 हफ्ते में एक बार, या अभी कल भी मैं रात में, मुझे आते आते मीटिंग से 1 बज गई। मैं सोचा नहीं यार सुबह उठ नहीं पाऊंगा, मैं सुबह, मैं 1 बजे सोने के बावजूद मैं सुबह उठ गया 6 बजे, फटाफट फ्रेश होके। थोड़ा लेट हुआ मुझे ज्वाइन होने में, 8-10 मिनट, मैं फ्रेश हो गया एकदम और ज्वाइन भी हो गया, और मेरे कोई हेडेक नहीं है, मैं एब्सोल्युटली रिलैक्स्ड।